चलो, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी विल डू सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट बेसिकली, अगर जो भी हम लोग को डेटा है वो डेटा को समराइज करने के लिए, उस डेटा को एक नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. तो सेंट्रल टेंडेंसी इज़ प्राइमरीली थ्री कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. दीज आर द थ्री मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट बेसिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब ये क्या बोलते हैं, मीन और मीडियन और मोड, तीनों जो होगा दे विल जस्ट बी लेट्स से एनी वन और टू वैल्यूज. यूजुअली वन वैल्यू होता है, मोड में हो सकता है कि वन से ज़्यादा मोड हो. तो वो क्या करते हैं, हम लोग के पास डेटा में सेवरल पॉइंट्स रहते हैं. नाउ वी कैन हैव 10 डेटा पॉइंट्स, वी कैन हैव 100,000, कितना भी डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं हम लोग के पास डेटा में. लेकिन उसको समराइज करने के लिए, उसका एक आइडिया लेने के लिए वी यूज़ सेंट्रल टेंडेंसी, ताकि हम लोग को एक वैल्यू में अगर कोई पूछे कि लेट्स से अगर कोई टीचर है उसके क्लास के परफॉर्मेंस के बारे में कोई पूछे, तो जनरल में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्लास एवरेज देखते हैं. क्लास एवरेज देखते हैं कि एट एन एवरेज स्टूडेंट्स गॉट लेट्स से 60 और दे गॉट 60 to 65. कभी कभी रेंज बोलते हैं, कभी कभी एक वैल्यू बोलते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या है, 100 स्टूडेंट्स के क्लास में 100 स्टूडेंट्स को 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं. बट एंड ऑफ द डे हम लोग बोलते हैं सिर्फ एक मार्क है, और हम लोग सोचते हैं कि 60 के आगे पीछे करके दी अदर्स हैव ऑल्सो रिसीव्ड मार्क्स अकॉर्डिंगली. तो इसको ही बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. दिस वर्ड सेंट्रल मीन्स कि इट इज़ ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा बिकॉज इट लाइज समवेयर इन द मिडल. अब मिडल का जो डेफिनेशन है, इट कैन चेंज. हाउ विल इट चेंज? मीन में हम लोग मिडल को कंसिडर करते हैं कि मिडल मोस्ट वैल्यू, एज पर वैल्यू, एज इन कि अगर 1 है, 5 है और 10 है, तो इसमें पोजिशन वाइज वैल्यू कौन सा मिडल होगा? पोजिशन वाइज 5 है, लेकिन अच्छा 1, 5, 10 नहीं, 1, 5, 7 करते हैं, 1, 5 and 7. सो पोजिशन वाइज आर मिडल वैल्यू इज 5, लेकिन दिस इज वॉट मीडियन शोज. मीडियन शोज पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू. वॉट डज मीन शो? मीन शोज इन नंबर्स. तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, हम लोग कंसिडर करेंगे कि टोटल में पूरे क्लास में किसको कितना मार्क्स मिला है. वी विल एड ऑल ऑफ देम अप. एंड लेट्स से अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिक सेंट्रल पॉइंट चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग तीनों का मार्क्स को ऐड करेंगे. ये मेथड हम लोग सब यूज़ किए हुए एट सम पॉइंट इन आर लाइफ, वेदर इट इज़ हम लोग अपना कोई भी क्लास में एवरेज निकालने का कोशिश किए हो, या फिर हम लोग पूरे दिन में कुछ भी अगर करते हैं तो उसका भी एवरेज. एज सून एज वी यूज़ द वर्ड एवरेज, यूजअली वी मीन ओनली. ओके, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे बिकॉज वी हैव 3 वैल्यूज एंड वो तीनों के बीच में वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सेंटर पॉइंट. तो कितना होएगा, 13/3 विच इज 4.33. अब ये 4.33 आप लोग बोलोगे कि इन तीनों में तो अकर ही नहीं किया 4.33. बहुत बार हो सकता है कि जो मेन वैल्यू है इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्चुअल डेटा. हो सकता है किसी को भी वो वैल्यू मिला नहीं हो, लेकिन 4.33 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे सब वैल्यूज सेंटर अराउंड होंगे, उसमें से इक्विडिस्टेंट होंगे सब वैल्यूज. नॉट इक्विडिस्टेंट बट फैलाव जो होगा, जो स्प्रेड होगा डेटा का, वो 4.33 के अराउंड होगा. क्लियर है मीन सबको? तो मीन वैल्यू का सेंट्रल पॉइंट देखता है वैल्यू वाइज, एंड मीडियन इज द पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू? लेट्स से अगर 4 नंबर्स हैं, लेट्स से 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स का सेंट्रल वैल्यू कहाँ लाई करेगा? अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में किए, असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग को देखना होगा सेंट्रल वैल्यू. अगर इसको आई वुड राइट इट इन दिस फॉर्म, तो हम लोग नहीं बोल सकते इसमें से मीडियन की कौन सा वाला होगा. वाई? बिकॉज मीडियन हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि पोजिशनली कौन सा वैल्यू सबसे मिडिल में है. तो दिस वन वी विल कंसिडर, दिस वन इज़ रॉन्ग
ऑलवेज मेक श्योर मीडियन आप जब भी कैलकुलेट करने का कोशिश करो, यू आर ऑलवेज डीलिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ डेटा. तो पोजिशनली आ मीडियन विल लाई समवेयर हियर बिकॉज देर आर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. तो एकदम डॉट सेंटर कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग को पता है कि 50 एंड 70 के बीच में एक ठो नंबर होगा पोजिशनली विच विल बी आर मीडियन. तो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? द मोस्ट सिंपलेस्ट वे इज़ कि हम लोग 50 एंड 70 का एवरेज निकाल के मिड पॉइंट निकाल ले. तो वो कैसे करेंगे? 50 प्लस 70 बाई 2 60 होगा. ठीक है, अगेन सेम थिंग कि हो सकता है जो आपका मीडियन वैल्यू हो इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर डेटा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम लोग का जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है वो हम लोग का एक डेटा पॉइंट हो. इट कैन बी नियर आर डेटा पॉइंट्स. ओके, तो ये हुआ मीडियन. अब मोड क्या होता है? मोड होता है, अब अगर आपको कोई पूछेगा कि लेट्स से आप कितना स्टेप्स चले, ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा कितना स्टेप्स चले ओवर द वीक एवरेज पे, तो आप क्या करोगे? आप लेट्स से एक दिन यू वॉक्ड 500 स्टेप्स, वन डे यू वॉक 1000, 3-4 डेज के लिए आप लेट्स से ये वीकेंड था 500 एंड 1000 वाला, एंड जितना वीक डेज था उसमें यू वॉक्ड अराउंड 4000 स्टेप्स. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आप 4000 स्टेप्स अ डे चलते हो? यू विल नॉट सिट एंड कैलकुलेट कि वीकेंड में सैटरडे को 100 था, 1000 था, फिर उसके बाद इतना था 500, 1000, बट वीकडे में आप सबसे ज़्यादा तो 4000 स्टेप्स ही चले हो. मोस्ट ऑफ द डेज यू वॉक्ड 4000 स्टेप्स. तो इसलिए यू विल से कि अराउंड 4000 स्टेप्स है वॉक्ड. करेक्ट, दैट इज वॉट इज मोड. मोड क्या होता है? मोड इज हाइएस्ट अकरिंग वैल्यू. क्योंकि आप खुद ही सोचो, वाई इज दिस कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी? इसमें हम लोग कोई मिड पॉइंट तो निकाले नहीं, बट फिर भी इसको एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोला जाता है? बिकॉज वेन इफ इवन इफ अ टीचर वेन शी इज चेकिंग पेपर्स, अगर बार 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 शी इज गिविंग मार्क्स इन द रेंज ऑफ 60 to 65, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को एकदम 10 भी मिल रहा हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को 65 टू 80 भी मिल रहा हो, लेकिन वो बैठ के कैलकुलेट नहीं करेगी कि वो कितना रेंज है. बिकॉज मीन क्या करते हैं? मीन पूरे रेंज को इनकॉर्पोरेट करते हैं. आप ट्राई करके देखो, 10 है, 60, 60, 60 एंड 70, 75, 80, ये नंबर्स का मीन निकाल के दिखाओ कितना होगा. कैलकुलेट करो, आई एम कमिंग इन 1 मिनट. कितना? 59.2. बाकी लोग का कितना आ रहा है? 59.2 यही आ रहा है सबका. अब लेट्स से अगर ये 80 और 75 को हम लोग हटा दिए, खाली 70 रह गया, तो कितना एवरेज आएगा? या फिर यहाँ पे अगर हम लोग काम करते हैं, अब कैलकुलेट करो. सबका ही आ रहा है. तो देखो क्या हुआ, ये जो नंबर्स है
ऐसे बोलने में बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग इस रेंज में तो कोई चेंज लाए नहीं, 40 to 59 वाले रेंज में तो कोई मार्क्स में चेंज लाया ही नहीं हम लोग ने। 60 वाला जो था वो सब कांस्टेंट है, बस हम लोग ऊपर में ज़्यादा वैल्यूज़ था और नीचे में कम वैल्यूज़ था इनिशियली, तो हम लोग का 59.29 आया। तो क्या हुआ, हम लोग का जो मीन था इट गॉट पुल्ड अप। व्हाई डिड इट गेट पुल्ड अप मोर टूवर्ड्स 60? बिकॉज वी हैड मोर वैल्यूज़ इन द अपर रेंज। जैसे हम लोग उसको चेंज करके लोअर रेंज में वैल्यूज़ का वेट को बढ़ा दिए, वी गॉट 3 वैल्यूज़ बिलो 60। तो क्या हुआ, इट स्टार्टेड पुलिंग डाउन द मीन। तो मीन में यही प्रॉब्लम होता है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट द इंटायर स्प्रेड ऑफ द डेटा। आप अगर डेटा को किसी एक पोर्शन में ज़्यादा वेट दोगे तो वो मीन अकॉर्डिंगली अप या डाउन हो सकता है। मीडियन में क्या होगा, मीडियन में पोजिशनल एवरेज निकलेगा, बट जो मोड है मोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 60। वाई, बिकॉज 60 इज स्टिल द मोस्ट अकरिंग वैल्यू। एंड हम लोग मोड को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, मोड को इंपॉर्टेंस देते हैं जैसा आई वाज सेइंग कि अगर एक टीचर पेपर चेक कर रही है तो शी इज़ फीलिंग दैट शी इज़ गिविंग आउट सो मेनी 60s, तो इसीलिए उसको ये नहीं याद रहेगा कि वो 3 स्टूडेंट्स को बिलो 60 दी एंड सिर्फ एक स्टूडेंट को अबव 60 दी। उसको ये याद रहेगा कि वो सबसे ज़्यादा 60 दी, तो उसको लगेगा कि वो ही एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ हर क्लास का परफॉर्मेंस। ओके, सो दैट इज़ वाई मोड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है सबको ये तीनों मेजर्स का मतलब? देन वी विल मूव ऑन टू द फॉर्मूलाज एंड हाउ वी कैलकुलेट इट। ठीक है, तो ईजिएस्ट इसमें से मोड है, तो लेट्स स्टार्ट विथ मोड ओनली। मोड का डेफिनेशन आई सेड हाइएस्ट अकरिंग वैल्यू। हम लोग कोई भी वैल्यू का अकरेंस किस मेजर से डिनोट करते हैं या किस वेरिएबल से या किस कॉलम से डिनोट करते हैं? हाउ डू वी नो द अकरेंस ऑफ अ वैल्यू? ऐसे एक नॉर्मल रॉ डेटा दे दिया आपको, तो उसमें से मोड निकालना इज़ वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू सी कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है। लेकिन ये जो इतना टाइम्स आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जिस भी वैल्यू का फ्रीक्वेंसी विल बी हाईएस्ट, दैट विल बी आवर मोड इन वेरी सिंपल टर्म्स। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दे दिया जाए, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में यू डोंट इवन हैव टू सिट एंड कैलकुलेट। आपको एक्स वैल्यूज दिया जाएगा, एफ वैल्यूज दिया जाएगा। तो इसमें से मोड कौन सा होएगा? सिक्स होगा मोड। थ्री होगा मोड। अच्छा, और बोलो सिक्स क्यों होगा और थ्री क्यों होगा? सिक्स बिकॉज इट गॉट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4। और थ्री क्यों होगा? थ्री क्यों होगा? आई एम वेरी हैप्पी समवन सेड थ्री, बिकॉज एनी वे आई वुड हैव टू टेल यू ऑल कि ये एक सबसे कॉमन मिस्टेक है इन मोड। मोड में पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन एक्स वैल्यू एंड एफ वैल्यू। इसीलिए पहले आई वॉन्टेड यू ऑल टू सी कि जब हम लोग मोड का बात कर रहे हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का हाइस्ट देखते हैं कि कौन सा फ्रीक्वेंसी हाइस्ट है, एंड उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू चेक करते हैं। बहुत जन हो सकते हैं थ्री लिख के आए इफ़ दे डोंट रियलाइज। वाई, क्योंकि उन लोग ऑपोजिट करेंगे, दे विल सी कि हाइएस्ट एक्स वैल्यू कौन सा है एंड उसका फ्रीक्वेंसी लिख के आ जाएंगे, विच इज़ द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट शुड एक्चुअली बी डन। इसीलिए मोड में ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट यू आर चेकिंग द फ्रीक्वेंसी कॉलम, यू फाइंड आउट द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू। बिकॉज एक चीज़ क्लियर रखना माइंड में कि जितना भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दे विल ऑलवेज कॉरिस्पॉन्ड टू एक्स वैल्यूज। कभी भी आपको सेंट्रल टेंडेंसी में, वेदर इट इज़ मीन, मीडियन और मोड, यू विल नॉट हैव टू गिव योर आंसर फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी कॉलम,
फ्रीक्वेंसी कॉलम को आप लोग सिर्फ इंटरमीडिएट कैलकुलेशन के लिए यूज़ करोगे। फाइनल आंसर, अभी हम लोग मीडियन में भी देखेंगे ये चीज़ कि फाइनल आंसर हमेशा इस कॉलम को यूज़ करके ही आएगा। एफ कॉलम इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा एक्स वैल्यू निकालना है, बट जो आंसर होगा वो एक्स कॉलम से ही होगा। तो यहाँ पे भी हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 4 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू इज 6, सो दैट इज़ वाई 6 इज़ द मोड। नाउ इन द सेम वे, ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, वॉट इफ इट इज़ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है, क्लास होता है एंड फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्लास लेट्स से आई से 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 70, फ्रीक्वेंसी इज 5, 7, 6, 9। अब बताओ कि इसमें हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन वी गेट अ सिंगल वैल्यू फॉर मोड, इज इट पॉसिबल? ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि हम लोग के पास ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स ही नहीं है, तो हम लोग एक सिंगल वैल्यू के बारे में कोई डेटा ही नहीं है अगर, तो हाउ कैन वी गिव द आंसर इन वन सिंगल वैल्यू? तो इस केस में वॉट डू वी कैलकुलेट, वी कैलकुलेट मॉडल ग्रुप और मॉडल क्लास। कौन सा होगा मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास? Which 40 one will... to 70. 40 to 70. Very good, because इसका frequency highest है. Now, आप लोग notice किए कि नहीं, I don't know. But जो class unequal width है... Unequal class interval. Exactly. The classes are unequal. जो class width है, वो change हो रहा है. But इस चीज़ से mode पे कोई effect नहीं होगा. Mode, अगर आपको model group calculate करना है, you do not have to थिंक कि मोड जो क्लास का विथ है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे कल हम लोग देखे थे कि जब हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे देन द क्लास विथ मैटर्ड, बट नाउ इन मोड इट डज नॉट मैटर। जो भी ग्रुप का हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज उसके बियॉन्ड आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, तो यू कैन नॉट यूज इट इन एनी फॉर्म, यू हैव टू गो विथ 40 टू 70 ओनली। वन मोर थिंग, अब यहाँ पे 40 टू 70 का फ्रीक्वेंसी 9 है एंड लेट्स से 0 टू 10 का फ्रीक्वेंसी 5 है। हो सकते हैं कि अगर हम लोग इसका रॉ डेटा को देखें, इवन तो अभी हम लोग के पास एक्सेस नहीं है टू द रॉ डेटा, बट जो भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होगा दैट हैज़ टू पर्टेन टू द रॉ डेटा ओनली। तो रॉ डेटा में इफ़ आई से कि जो नंबर 5 था उसका फ्रीक्वेंसी वॉज 4, इसीलिए वो 0 टू 10 में फ्रीक्वेंसी 5 है। मतलब 0 टू 10 का ब्रेकअप क्या था, 5 5 5 5 एंड लेट्स से 7, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 5 आ गया। और यहाँ जो 40 टू 70 है उसका ब्रेकअप लेट्स से ऐसा कुछ है, अगर इसका ब्रेकअप ऐसे है तो हम लोग का मोड क्या होएगा? बाकी क्लासेस को एक बार इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, उसका हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, तो मोड क्या होता अगर आप लोग को इस फॉर्म में डेटा दिया रहता, व्हाट वुड बी योर मोड? मैम वो 5 है ना सर, बस 5 हो जाता मोड। क्यों? क्योंकि 5 अकेले ही 4 टाइम्स अकर कर रहे, बट यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, बट हाइस्ट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स एट 4 विच इज़ फॉर एक्स वैल्यू 5। तो वॉट डू यू अंडरस्टैंड इससे कि मॉडल क्लास में ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल मोड लाए करे, मीनिंग मोड मे नॉट बी पार्ट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। क्लियर है कि वाई इज दिस पॉइंट इम्पॉर्टेंट, मोड मे नॉट बी पार्ट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हुआ मोड। एक और लास्ट थिंग मोड में, कि जैसे आई सेड अगर डेटा होगा, मान लो यही डेटा जो 40 टू 70 वाला था,
अगर हम लोग सिर्फ ये नाइन वैल्यूज को कंसिडर करें तो मोड क्या होगा? व्हाट विल बी आर मोड? मल्टी एग्जैक्टली, देर कैन बी मल्टीपल मोड्स और देर कैन बी नो मोड्स ऑल्सो. तो इस केस में मल्टीपल मोड्स है. 42, 43 एंड 67 तीनों आपका मोड होगा. इसलिए मैंने बोला था कि मीन एंड मीडियन में आंसर सिर्फ एक आएगा, बट मोड में यू कैन हैव मोर देन वन आंसर ऑल्सो बिकॉज देर आर केसेज ऑफ मल्टी मोडल डेटा. एंड नो मोड एज वेल में क्या होगा? 1, 2, 3, 4 अगर ये डेटा दिया है, इसमें से कोई भी मोड नहीं है, सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है, तो इसीलिए दिस इज अ नो मोड डेटा. तो मल्टी मोडल एंड नो मोड, एंड सिंगल मोड तो खैर है ही, दैट इज द नॉर्मल वन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेजर, मीन. मीन हम लोग कर लिए कि इट इज़ नथिंग बट द एवरेज. और हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितना भी एक्स वैल्यूज़ होते हैं सबको हम लोग सम करते हैं, एंड देन हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ विच इज़ एन, राइट? दिस इज़ आर फॉर्मूला फॉर मीन. हम लोग ऐसे ही ऊपर में कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए. अब मूविंग ऑन, अगर फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया हुआ है, ये तो हो गया एकदम बेसिक मीन का कैलकुलेशन. इफ़ इट इज़ गिवन इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल तो क्या होगा? हम लोग के पास एक्स रहेगा और एफ रहेगा. इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें वी हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स. वी हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स. कैन यू टेल मी व्हाई डू वी हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स? कैन यू टेल मी व्हाई डू वी हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स? लॉजिक क्या है एफ एक्स कैलकुलेट करने में? हम लोग सीधा क्योंकि अभी एक्स वैल्यू मल्टीपल टाइम अकर हुई है. एग्जैक्टली, जैसे 6 है वो 3. वो मल्टीपल टाइम्स अकर हुई है, तो इसको अगर हम लोग रॉ डेटा के फॉर्म में डालना चाहे, इन ऑर्डर टू यूज़ दिस फॉर्मूला अगर इसको हम लोग रॉ डेटा के फॉर्म में लाए, तो वी विल राइट इट एज 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7 एंड 7. फिर हम लोग इनको सम करेंगे एंड डिवाइड बाय कितना करेंगे? 8, बिकॉज 8 डेटा पॉइंट्स है. तो वो 8 कहाँ से आया? 8 आया फ्रीक्वेंसी को टोटल करने से, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी का टोटल इज़ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. एंड जो न्यूमरेटर है वो कैसे आया? एफ एक्स को टोटल करने से, राइट? तो फॉर्मूला क्या बना? हम लोग सम करेंगे एफ एक्स वाले कॉलम को और डिवाइड करेंगे उसको बाय एफ वाले कॉलम के सम को. क्लियर? तो ये हुआ इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल. नाउ जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, दैट कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल. इफ इट इज अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल तो क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ कौन से कॉलम में है? नेचुरली क्लास वाले कॉलम में एक्स वैल्यूज़ है, बट एक्स क्या होता है? एक्स में तो हम लोग को एक सिंगल वैल्यू यूज़ करना होता है. तो
we have to now think in terms of a singular value for every class. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क. मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि वन वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द इंटायर क्लास. तो वो वैल्यू कैसे आएगा, सोचो कैसे आ सकते हैं. हम ऐसा वैल्यू जो इवेंट मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है जो हर पॉइंट को, डेटा पॉइंट को उस क्लास के. तो वैसा पॉइंट कौन सा होता है जो पूरे मिडिल पॉइंट. मैम मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. बेसिकली हम लोग एक्स वैल्यू का भी मीन ही निकाल रहे हैं फॉर द क्लासेस. तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इससे हम लोग को मिड पॉइंट मिलेगा विच विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर क्लास. तो क्या होगा क्लास मार्क बताओ, 0 to 10 वाले का क्या होगा? 5. 10 to 20? 15. 20 to 35? 27 होगा. 27.5 होगा. डोंट इग्नोर डेसिमल्स. एंड 35 to 60 का? 47.5. अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेम मेथड यूज़ करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे एंड सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, दैट्स इट. ओके, करके दिखा दो एक बार क्या आंसर आएगा, बोलो. सबका सेम आंसर आ रहा जल्दी से बोलो ये कैसे करेंगे, बहुत इजी.
बोलो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ किसी का? चलिए यस मैम। कैसे करेंगे? फर्स्ट वे हैव टू मल्टीप्लाई 20,000 इनटू 12 टू गेट द टोटल अमाउंट, एंड देन अगेन 23,000 इनटू 5। विल जस्ट ऐड अप, विल गेट 3,55,000, एंड देन एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स 12 प्लस 5। क्या है फाइनल आंसर? 20,882.35। इसका लॉजिक क्या है? हम लोग को इनका ये क्या है, दिस इज एन एंड दिस इज दिस इज मीन। एक चीज सुनना कि मीन को वी ऑल्सो डिनोट एज एक्स बार, ठीक है? दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डिनोटिंग कि मीन को हम लोग एक्स बार भी लिखते हैं। तो 12 इज एन एंड 20,000 इज एक्स बार। सिमिलरली यहाँ पे इस केस में 5 इज एन एंड 23,000 इज एक्स बार। अब हम लोग को पता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। तो हम लोग को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी के लिए क्या क्या चाहिए? हम लोग का फर्स्ट होगा कि हम लोग को चाहिए कि सारा वर्कर्स का सैलरी का सम बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे? 12 प्लस 5, तो ये डिनोमिनेटर सेटल्ड। सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल द वर्कर्स, तो मतलब सिग्मा एक्स फॉर कैटेगरी वन वर्कर्स प्लस सिग्मा एक्स ऑफ कैटेगरी टू वर्कर्स, राइट? तो क्या होएगा? 20 था सिग्मा एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? बस रीअरेंज करेंगे तो एन एक्स बार इज एक्चुअली सिग्मा एक्स। तो एन एक्स बार कितना होएगा? 12 इंटू 20,000 प्लस हम लोग को कैटेगरी टू वर्कर्स के लिए भी सेम करना है, तो 23,000 इंटू 5। दोनों को ऐड करके वी विल गेट सम ऑफ सैलरीज फॉर ऑल द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी विल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हम लोग को दोनों एन को ऐड करके मिल गया। तो 3,55,000 बाई 17, विच इज रुपीज 20,882 रुपीज, करेक्ट? किसी को भी डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू डू द फुल थिंग, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी कि क्लास मार्क क्या होगा। 45। कैसे आएगा 45? क्लास इंटर क्लास क्लास वुड मार्क बी का तो फॉर्मूला इज 42। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। बोलो 45 क्यों आएगा? बट ये एज है ना। तो मनाजर से क्या आएगा क्लास इंटरवल? क्लास लिमिट विल बी 40 टू 50। एग्जैक्टली, पहले हम लोग को क्लास लिमिट को चेंज करना होगा। एंड ये करने के बाद हम लोग अपना क्लास मार्क कैलकुलेट कर, ठीक है? मैम लास्ट वन वुड बी 70 टू 79 और 70 टू 80। 70 टू 80 आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी नंबर वन, एंड नंबर टू आप ये क्यों कर रहे हो? ये जो 79 है दिस इज एक्चुअली 80 ईयर्स माइनस वन डे, ये कल हम लोग किए थे। द 79 गोज अप टिल 80 ईयर्स माइनस वन डे, तो इसीलिए उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके 80 कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग क्यों करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन? वाई डू वी डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज वी वॉन्ट कि हम लोग जो क्लास यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल डेटा। सामने वाला भले ही हम लोग को अपना एज 79 बोलेगा ऑन दिस डे, दे माइट से 79 इज देयर एज, बट फॉर अस बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद द नंबर, ये क्या होएगा 79.999 टाइप्स होगा कुछ, तो इसको हम लोग 79 से रिप्रेजेंट करें या 80 से रिप्रेजेंट करें? विच वन इज़ मोर एक्यूरेट? ऑब्वियसली 80 से रिप्रेजेंट करना इज मोर एक्यूरेट, तो इसीलिए वी चेंज इट टू 80।
एंड वी डोंट कीप इट एट 79. क्लियर है मैम? यस मैम. हम इस केस में अगर किसी का एज एग्जैक्टली 80 हुआ तो उसके लिए एक नया क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, राइट? वो हम लोग के स्टडी में आएगा ही नहीं. क्या बोला था? 80 इयर्स माइनस वन डे पे हम लोग का स्टडी एंड हो गया. तो वी डोंट हैव एनी पर्सन जिसका एज 80 है. अगर 80 का होता मतलब हम लोग का स्टडी बियॉन्ड 80 इयर्स माइनस वन डे कंटिन्यू है तभी हम लोग के पास ऐसा कोई आदमी आया, तो नेचुरली एक और क्लास होता है यहाँ पे. तो ये क्लियर है. तो इसीलिए क्लास मार्क्स क्या बनेगा? 45, 55, 65, 75. एंड देन इसका मीन निकालने के लिए तो नॉर्मली हम लोग एफ एक्स बाई एफ करेंगे. क्लियर है सबको मीन? यस मैम. ठीक है, मूविंग टू द लास्ट वन विच इज मीडियन. मीडियन हम लोग किए कि इट इज़ द पोजिशनल एवरेज. अब हम लोग पोजिशनल एवरेज में व्हाट इज द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट, हम लोग पोजिशन कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मीन में क्या था, मीन में फ्रीक्वेंसी एंड एक्स वैल्यू बोथ वर इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन में दोनों यूज़ करना पड़ रहा था. बट मीडियन में डू वी एक्चुअली नीड एवरी एक्स वैल्यू? हम लोग को सिर्फ एक एक्स वैल्यू चाहिए होगा, बाकी एक्स वैल्यूज कौन से नंबर का है इससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता. खाली जो मिडिल मोस्ट एक्स वैल्यू है वो हम लोग को यूज़ करना है. और कोई एक्स वैल्यू हम लोग यूज़ करते थे वाइल कैलकुलेटिंग द मीडियन? नो नो. तो इसीलिए व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से, है ना? एन से डिनोट करते हैं. तो इन मीडियन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एन. और फिर क्या करते हैं हम लोग को एन से क्या रिलेशन है? ट्राई करो. एन से क्या रिलेशन है? व्हाई डू वी नीड एन? हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि जो एन बाय सेकेंड एन बाय टू ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ ऑकर कर रहा है, किस डेटा पॉइंट पे वो है, वही तो अपना मीडियन होगा. वेरी गुड. तो एन हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज एन बताता है कि कितना पोजिशंस है, कितना पोजिशंस है. फिर उसके बाद हम लोग को उसी उतने ही पोजिशंस का सेंटर पॉइंट चाहिए. तो एन बाय टू स्पीकिंग मतलब स्पीकिंग लेमैन टर्म्स में एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन हम लोग को चाहिए बिकॉज दैट विल बी द सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन. बट जो फॉर्मूला है विच वी विल यूज, मीडियन का फॉर्मूलाज बहुत सारे, लाइक देर आर टू थ्री फॉर्मूलाज विच पीपल यूज, पीपल स्टडी. हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? ऑल आर करेक्ट. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा बेस्ट है एंड कौन सा नहीं है. ऑल आर इक्वली एक्सेप्टेबल, ऑल आर करेक्ट. ये आप लोग मत सोचना कि आप लोग अगर डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा. हो सकता है आए, बट जो ऑप्शन रहेगा वो ऐसे ही रहेगा कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज यू आर नॉट पीनलाइज. जो बाकी ऑप्शन रहेगा वो कम्प्लीटली कोई और ही गलती को लेके होगा, दे विल नॉट बी बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एन बाय टू प्लस हाफ वैल्यू या फिर एन प्लस वन बाय टूथ वैल्यू. तो इसमें अगर हम लोग ऑड नंबर डालें, इफ वी हैव ऑड नंबर ऑफ एन तो क्या आएगा? फाइव. फाइव प्लस वन हो गया सिक्स्थ वैल्यू, सिक्स बाय टू विच मीन्स थर्ड वैल्यू. हम लोग का थर्ड वैल्यू होगा मीडियन. अगर इसमें हम लोग इवन नंबर डालें तो लेट्स से सिक्स, तो क्या होएगा? सेवन बाय टू विच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फिफ्थ वैल्यू. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री पॉइंट फिफ्थ वैल्यू क्या होएगा? थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू के बीच में. एंड हम लोग जब नॉर्मली खाली लॉजिक यूज करके भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों के बीच का एक वैल्यू निकालते हैं, राइट? तो
दूसरा जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, दे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑड एंड इवन, कि ऑड होने से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड इवन होने से दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट इफ़ यू यूज़ दिस फॉर्मूला देन आपका ऑड एंड इवन दोनों सेम फॉर्मूला से काम हो जाएगा। तो इसीलिए क्लियर है कि कैसे ऑड एंड इवन में सेम आंसर करेक्ट आंसर मिला हम लोग को। यस मैम। तो फॉर्मूला सब लिख लो, एन प्लस वन बाय टू एथ वैल्यू। वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि अगेन ये हम लोग को क्या दे रहे हैं, ये हम लोग को पोजिशन दे रहे हैं। इट इज़ नॉट गिविंग अस द वैल्यू, इट इज़ गिविंग अस द पोजिशन ऑफ द वैल्यू। तो जो फाइनल आंसर होगा उसको आपको कॉरिस्पॉन्ड करके लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 3.5 आया, लेट से अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता तो ये 3.5 ही होता, ये पॉइंट भी तो यहाँ पे सेम होता। बट अगर हम लोग नंबर्स चेंज कर दें तो क्या आएगा, दिस विल चेंज टू 4, राइट? क्योंकि हम लोग 4 + 4/2 करेंगे। एक और चीज़ क्या माइंड में रखना है, वेन एवर यू आर डूइंग मीडियन मेक श्योर द डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, अगेन नेक्स्ट केस अगर हम लोग को ये डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया रहता तो क्या होता, एक्स वैल्यूज होता एंड एफ वैल्यूज होता। एक्स वैल्यूज को यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर कैसे चेक करना होगा कि एक्स वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में, एक्स वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है तभी आप उसमें डायरेक्टली मीडियन लगा सकते हो। बट अगर एक्स वैल्यूज कोई और ऑर्डर में, देन पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। लेट्स से अगर 5, 7, 3, 4 ऐसे है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इनका फ्रीक्वेंसी भी आई विल राइट। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इसको पहले हम लोग को चेंज करना होगा एंड वी विल हैव टू राइट इट एज अकॉर्डिंगली, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, ऐसे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नाउ इसमें वी हैव टू यूज मीडियन। हाउ डू वी यूज मीडियन इन दिस केस, हम लोग को चाहिए इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करके एक रॉ डेटा फॉर्म में लाए, ऐसे बनेगा टोटल इज 7, तो क्या होगा 7 + 1/2 विच मीन्स फोर्थ वैल्यू इज आर मीडियन। फोर्थ वैल्यू कौन सा है, 5। बट ये हम लोग इतना क्यों मेहनत करेंगे, दिस इज खाली क्योंकि इतना स्मॉल फ्रीक्वेंसी था एंड इतना कम एक्स पॉइंट्स था, इसीलिए वी कुड डू दिस। हाउ डू वी डू दैट, डू दिस इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल डायरेक्टली, यू हैव टू सी कि क्या हो रहा है। हम लोग को पता है टोटल में 7 ऑब्जर्वेशंस है एंड हम लोग को कौन सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, हम लोग को फोर्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये चीज़ आप सिंपली ये देख के कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी टेबल का टोटल देख के यू कैन डू कि हम लोग को कौन सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। यहाँ तक इट्स द सेम थिंग, नो चेंज, नथिंग न्यू। बट आप अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, आपको पता है कि पहला दो ऑब्जर्वेशन 3 हो गया, फिर एक ऑब्जर्वेशन 4 का आ गया, तो 3 ऑब्जर्वेशंस हो गया। अब इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आएगा दैट विल बी माई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद 5, 5, 5 आ रहा है, तो हम लोग का फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज़ 5। बट अगेन अभी जो मैंने बोला भी, यू कैन नॉट सिट एंड डू दिस फॉर अ लार्ज डेटा सेट, तो वॉट डू वी डू, वी कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे साइड में आई विल कैलकुलेट, क्या होएगा 2, 3, 6, 7 ऐसे होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग सीखे हैं कैलकुलेट करना, इट विल बिकम लाइक दिस। अब यहाँ पे वी हैव टू सी कि 4 CF वाले कॉलम में 4 कहाँ पे आया, 4 डायरेक्टली कहीं नहीं आया, बट अप टिल एक्स वैल्यू 4 3 ऑब्जर्वेशंस हुआ था, तो विच मीन्स कि जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन था वो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में आया कहीं पे। कि जब हम लोग 4 से 5 मूव किए
तब हम लोग का फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ गया, बिकॉज बाय द टाइम वी लेफ्ट फाइव वी वर ऑलरेडी डन विद सिक्स ऑब्जर्वेशंस, तो इसीलिए मीडियन क्या हो जाएगा फाइव। क्लियर है ये चीज़ कि हम लोग सी एफ को यूज़ करके कैसे मीडियन निकालते हैं। वी विल ऑलवेज सी कि सी एफ का टू होगा जिनके बीच में हम लोग का पोजिशनल वैल्यू लाई करेगा। हम लोग ये पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ऐसा दो क्लास दो एक्स वैल्यूज होगा जिनके सी एफ के बीच में आर कैलकुलेटेड वैल्यू विल लाई। नाउ विच वन विल वी टेक, बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग फोर ले कि फाइव ले, बिकॉज ये थ्री एंड सिक्स है, ये तो श्योर है कि थ्री एंड सेवन हो ही नहीं सकता बिकॉज वो बहुत दूर है। फोर ले कि फाइव ले, हमेशा यू विल टेक द नेक्स्ट वन। वाई? क्योंकि फोर जब हम लोग थे तो हम लोग का सिर्फ तीन ऑब्जर्वेशन ख़त्म हुआ था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो तब आया ना वेन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, तो इसीलिए वी ऑलवेज टेक द नेक्स्ट क्लास और द नेक्स्ट एक्स वैल्यू एज द मीडियन। अब अगर हम लोग इसको चेंज करें एंड वी मेक इट इनटू अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, तो क्या होगा फिर से, एक्स की जगह हम लोग का क्लास आएगा, सी एफ क्या होगा फोर फाइव एट टेन इलेवन, राइट। तो हम लोग का पोजिशन का क्या कैलकुलेशन होगा बताओ, कौन से पोजिशन पे हम लोग का मीडियन लाई करेगा? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन से दो क्लासेस के बीच में आया, कौन से दो क्लासेस के बीच में हम लोग का सिक्स ऑब्जर्वेशन आया? 20 to 25, क्योंकि सिक्स यहाँ पे कहीं आया, जब हम लोग 20 तक आए तब तक हम लोग का फाइव ही हुआ था, जब हम लोग 20 के बियॉन्ड गए देन आर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वॉज द सिक्स ऑब्जर्वेशन, तो 20 to 25 इज कॉल्ड द मीडियन क्लास, इट इज़ द मीडियन क्लास। अब क्या होते हैं कि आप लोग को मीडियन में रेंज देना अलाउड नहीं है, मीडियन इज़ ऑलवेज वन वैल्यू, बट हाउ डू यू नो कि 20 to 25 में तो फाइव डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 20, 21, 22, 23 and 24, फाइव वैल्यूज़ हैं जो इसी क्लास में कवर्ड है, इनमें से कौन सा वैल्यू हम लोग का मीडियन है, एंड ज़रूरी नहीं है कि 20, 21, 22, 23, 24 ही हो, इट कैन बी इन डेसिमल्स ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हम लोग का डेसिमल में नहीं हो सकते, तो इट कैन बी एनी नंबर इन द रेंज ऑफ 20 to 24 एक्चुअल मीडियन जो है। तो ये अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इनमें से कौन सा वाला इज आर मीडियन, बहुत 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 ध्यान से अब मेरा बात सुनना, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मीडियन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आगे जाके आप कितना भी मैथ्स करोगे उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वी विल डू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीनियर इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन क्या होते हैं, इट इज़ बेसिकली कि आपको टू लिमिट्स दे दिया, आपको बोला कि वेन एक्स इज फोर, तो हम लोग का कोई भी एक एफ एक्स है, लेट्स से लिख ही देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो क्या आएगा एफ एक्स का वैल्यू, सिक्स फोर स्क्वायर इज 16 माइनस थ्री 13, एंड वेन एक्स इज लेट्स से फाइव, तो हम लोग का एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 22। एवरी वन इज क्लियर ऑन दिस? नाउ इफ आई आस्क यू कि एट एक्स इक्वल टू 4.3 वॉट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एंड आई टेल यू
ये आप एफएक्स में डायरेक्टली डाल के नहीं कर सकते, आपको मेरे को सिर्फ इस चीज को यूज करके बताना होगा। तो व्हाट विल यू डू? हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो इंटरवल है ना 4 से 5 के बीच का, इट इज इक्वली डिवाइडेड या फिर इक्वली स्प्रेड आउट। 4 से 5 के बीच में हम लोग को 4.3 है, तो अगर एक स्केल आप लोग इमेजिन करो, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का मार्क रहता है, उसके बीच में कितना डिविजन रहता है ऑन अ स्केल? 10 डिविजन्स। मिलीमीटर के लिए देर आर 10 डिविजन्स। वो 10 डिविजन्स में से हम लोग को अगर 4.3 मार्क करने, तो हम लोग 3 डिविजन्स छोड़ के अपना लाइन बनाते हैं। फ्रॉम 4 वी स्टार्ट एंड देन वी काउंट 3, जहाँ पे हम लोग का थर्ड लाइन आता है फॉर दी एमएम, वहाँ पे हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो ये हुआ 4.3। इन लीनियर इंटरपोलेशन ऑल्सो वी अज्यूम, और ये क्या होता है, ये जितना भी गैपिंग होता है ऑल ऑफ दीज आर इक्वली गैप्ड। ऐसा नहीं है कि 1 mm और 2 mm के बीच में जो डिस्टेंस है, 5 mm और 6 mm के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस है, ऐसा केस नहीं होते। ऑल द गैप्स आर इक्वली प्लेस्ड। इसीलिए दिस अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वली स्प्रेड आउट है सब कुछ। तो 4 से 5 के बीच में 4.3 कहाँ लाई करते हैं? इट इज़ एक्चुअली 4 + 3/10 ऑफ 1, क्योंकि ये डिफरेंस क्या है, या फिर ऑफ 10 मान लो, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 1 का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के बीच में, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1, एंड उस 1 के डिफरेंस का सिर्फ 3/10 पोर्शन हम लोग ले रहे हैं टू मार्क 4.3। ये 10 में से वी आर जस्ट टेकिंग 3 पार्ट्स आउट ऑफ द 10 पार्ट्स, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10 पार्ट्स तो ले लिए, लेकिन उससे हम लोग का आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो सिर्फ 3 mm होगा। वी नीड 4 सेंटीमीटर्स एंड 3 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 में ऐड करेंगे जो फ्रैक्शन हम लोग लिए हैं। तो 4 + 3/10 इंटू 1 कर रहे हैं, वेयर वॉट इज 4? 4 इज द लोअर लिमिट। वॉट इज 3? 3 इज, हम लोग को कौन सा वाला पॉइंट चाहिए, द पॉइंट वी रिक्वायर। वॉट इज 10? 10 इज टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स या डिविजन। एंड वॉट इज 1? 1 इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेसिकली 5 और 4 के बीच का डिफरेंस। अब एक बार बस 2 मिनट्स लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला और ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो अब अगर इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे लगाना चाहें तो क्या होएगा, 4.3 में क्या होएगा, 4 पे वैल्यू 13 है, तो हम लोग 13 को रखेंगे लोअर लिमिट। उसमें से हम लोग को कितना फ्रैक्शन चाहिए? अब 13 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस है? 13 एंड 22 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का। नाइन। अब ये जो 9 का डिफरेंस है, उसको हम लोग को स्प्रेड करना है या फिर डिवाइड करना है इनटू 10 इक्वल पॉइंट्स, और वो 10 इक्वल पॉइंट्स क्या होगा, 0.9 0.9 0.9 करके ऐड होते रहेगा। अब वो 10 में से हम लोग को कितना पॉइंट्स खुद के लिए चाहिए टू अराइव एट 4.3 का कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू? वी नीड 3 पॉइंट्स आउट ऑफ द 10 पॉइंट्स। तो हम लोग का
एट 4.3 एक्स इक्वल टू 4.3 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होएगा? इट विल बी, पहले डिफरेंस देखेंगे हम लोग कि कितना डिफरेंस आ रहा है. 9 का डिफरेंस आया, उसको अब हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड किए. इसमें से 0.9 आया, 0.9 पर पार्ट. कितना पार्ट्स हम लोग को खुद के लिए चाहिए? वी नीड 3 पार्ट्स, तो 2.7. अब ये 2.7 हम लोग किस में ऐड करेंगे? 13 में ऐड करेंगे. बोलो, समझ में आया कि ये 15.7 कैसे आया? यस मैम. इसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन. नाउ हाउ डू वी यूज दिस कॉन्सेप्ट इन मीडियन? मीडियन में हम लोग को बोला गया है कि मीडियन क्लास 20 to 25 है. 20 to 25 इज आ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3. मतलब टोटल में 20 से 25 के रेंज में 3 वैल्यू लाई कर रहे हैं. 3 वैल्यू लाई कर रहे हैं. कभी भी गलती से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत देखना. क्यों? क्योंकि लॉजिक समझो. हम लोग को अभी सिर्फ मतलब है 20 to 25 वाले पोर्शन में. तो 20 to 25 के बीच में ओनली 3 वैल्यूज़ आर लाइंग. तो 3 वैल्यूज़ आर लाइंग एंड हम लोग को कौन सा वाला वैल्यू चाहिए? हम लोग को इन 3 में से पहला वैल्यू चाहिए, बिकॉज 5 से 6 जाने में सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चाहिए था. लेट्स से अगर ये 7th होता, कुछ भी कैलकुलेशन होता एंड ये 7th होता, तो हम लोग को कौन सा चाहिए होता? आउट ऑफ द 3 वी वुड नीड दिस वन. तो हम लोग क्या करते? हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते और 2 पार्ट्स ले लेते अपने पास. इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 3 में डिवाइड कर रहे हैं लेकिन हम लोग फर्स्ट पार्ट सिर्फ ले रहे हैं अपने पास. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लोअर लिमिट तो रह गई क्योंकि उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं एक पोर्शन, एक फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं. कितना फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं? 3 लाई कर रहे हैं. 3 में से, अच्छा नहीं, 3 लाई कर रहे हैं बट किस रेंज पे लाई कर रहे हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस? वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है जिसको हम लोग को 3 में डिवाइड करना है. मतलब 20, 21, 22, 23 एंड 24, ये जो 5 है, ये 5 के रेंज में, इस 5 को हम लोग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस पूरे रेंज को. तो बेसिकली वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 5 विच वी हैव टू डिवाइड इन टू 3 पार्ट्स. एंड हाउ मेनी पार्ट्स डू वी नीड फॉर आर सेल्फ? वी जस्ट नीड 1 पार्ट फॉर आर सेल्फ. तो इसीलिए हम लोग का मीडियन क्या होएगा? 20 + 5/3 21.67. अगर हम लोग का, लेट्स से चेंज कर देते हैं, अगर इसको 13 करने या फिर इसको 12 करते हैं, अगर इसको 12 कर दिए, तो हम लोग का मीडियन का पोजीशन क्या होएगा? 13/2 वैल्यू, 13/2 वैल्यू चाहिए हम लोग को, विच इज 6.5 वैल्यू, राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड करो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप लोग एकदम क्लियरली समझो. 6.5 वैल्यू हम लोग को चाहिए. सेम थिंग, ये हम लोग का कॉन्स्टेंट रहेगा कि 20 to 25 के बीच में ही है. अब 20 to 25 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है. उसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 नंबर लाई कर रहे हैं इस रेंज में. हम लोग को अपने लिए कितना वैल्यूज चाहिए, कितना पोर्शन चाहिए? 1.5 पोर्शंस हम लोग को अपने लिए चाहिए. क्योंकि अब क्या हो रहा है, 5 पे तो ख़त्म हो गया था, प्लस 1.5 चाहिए हम लोग को. तो 1.5 पोर्शंस वी विल कीप फॉर आर सेल्स एंड लोअर लिमिट को हम लोग ऐड कर देंगे. तो नाउ आंसर विल बिकम 20.5, करेक्ट? यस मैम. अब एक सम खुद ट्राई करो.
172.5 172.5 फाइव नहीं, क्लोज है बहुत, थोड़ा सा मैम 172.5 ही आ रहा है। आई थिंक गलती है, इन लोग 5.5 की जगह 5 ली, CF 30 आ रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 आ रहा है ना। यस यस ठीक मैम। है, 15 यही मेथड सब यूज़ किए ना। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? कोई भी ऐसा है वॉन्ट्स मी टू रिपीट? सबको ये लीनियर इंटरपोलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो आज के लिए लास्ट टॉपिक, वेरी स्मॉल पोर्शन इज ट्रांसफॉर्मिंग डेटा सेट्स। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा सेट्स, ट्रांसफॉर्मिंग टू टाइप्स का होता है। अगर मेरे पास डेटा है, वन वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इट इज इफ आई एड और सब्ट्रैक्ट अ फिक्स्ड नंबर टू ऑल माई डेटा पॉइंट्स। तो लेट्स से आई डू एक्स प्लस 7, तो माई डेटा विल ट्रांसफॉर्म इन टू दिस। अनदर वे इज इफ आई मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ फिक्स्ड नंबर। तो लेट्स से डिवाइड अगर देखे, तो मल्टीप्लाई भी देख लेते। और एक हो सकता है कि दोनों कर दें, तो अगर करें 2x+7 तो क्या होगा? ये बनेगा ट्रांसफॉर्म यस मैम। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन टू वेज। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्लस ए वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो होता है इसको हम लोग बोल प्लस बी, और इसको बोलते हैं इनटू ए वाला कर रहे हैं। नाउ दिस बी कैन बी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो। तो अगर नेगेटिव नंबर होता, लेट्स से -7 होता, तो क्या बन जाता? ये एक्स -7 बन जाता। तो बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन दिस केस, एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग का एक्स वैल्यूज में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली फॉर ए, ए कैन बी अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन ऑल्सो। अगर फ्रैक्शन होगा तो डिवीजन होगा, एंड अगर होल नंबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू क्या था? 2, एंड यहाँ पे ए का वैल्यू इज़ हाफ। इस केस में ए का वैल्यू इज़ 2 एंड बी का वैल्यू इज़ +7,
तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ हाउ डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हाउ डज इट अफेक्ट आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अगर आप सबका मीन निकालो तो एक्स वाले का नॉर्मल मीन क्या होएगा, 4, 6, 8, 9, 27/4 विच इज 6.75. जल्दी से एक बार खाली लास्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम का मीन निकालो कितना आएगा. यस मैम. इतना ही आ रहा है. अब इसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग हर एक्स वैल्यू को बाय टू किए थे. 6.75/2 कितना आएगा, 3.375. तो इससे क्या पता चला कि इफ वी मेक, या अगर हम लोग एक फिक्स्ड फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे टू एवरी एक्स वैल्यू, देन हम लोग का जो मीन होगा दैट विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम फिक्स्ड फैक्टर. इस केस में क्या होएगा, अगर आप करो, आई एम शोइंग इट ओवर हियर, 6.75 × 2 + 7 करो तो आपका आंसर 20.5 आएगा. क्यों, क्योंकि सेम गोज फॉर एनी फिक्स्ड फैक्टर बीइंग एडेड एज वेल. तो आप अगर कोई फिक्स्ड फैक्टर ऐड कर रहे हो टू एवरी डेटा पॉइंट, देन योर मीन विल ऑल्सो गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द सेम फिक्स्ड फैक्टर. एंड अगर आप दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो आपका जो मीन है वो भी साइमल्टेनियसली चेंज होगा. तो इवन इफ इट इज़ इन ए फैक्टर और इफ इट इज़ अ बी फैक्टर, ए फैक्टर इज मल्टीप्लीकेशन, बी मल्टीप्लीकेशन डिविजन, एंड बी फैक्टर इज एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो ये चार ऑपरेशन आप अगर हर अपने डेटा पॉइंट को करो तो आपका जो मीन होगा वो भी अकॉर्डिंगली सेम वे में चेंज होगा. बट वॉट डू वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो ऑपरेशन है इट हैज़ टू बी वन ऑफ दीज फोर ऑपरेशन. यू कैन नॉट यूज़ एनी अदर ऑपरेशन. अगर आप सोचो कि आप लेट्स से अगर बॉक्स फंक्शन लगा दे रहे हो या ऐसा कुछ भी, सारे कॉम्प्लिकेटेड वाले जो फंक्शंस हैं उनको अगर लगा दे रहे हो तो ये नहीं होल्ड करेगा. ओनली दीज फोर बेस, सपोज स्क्वेयर रूट, अगर आप स्क्वेयर रूट कर दोगे तो दिस विल नॉट होल्ड. इट विल ओनली होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एंड अनदर कंडीशन इज एवरी सिंगल डेटा वैल्यू हैज़ टू बी चेंज्ड इन द सेम मैनर. तब डेटा वैल्यूज में सेम चेंज होगा तभी ये चीज़ होल्ड ट्रू करेगा. तो इफ एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन एक्स वन बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वन इज़ हम लोग का ट्रांसफॉर्म डेटा सेट. तो हम लोग कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करें, ओरिजिनल एक्स में ए का एक फैक्टर मल्टीप्लाई करके बी का एक फैक्टर ऐड करें. तो हम लोग का जो एक्स वन बार है, विच मीन्स हम लोग का ट्रांसफॉर्म्ड डेटा सेट का जो मीन है, हाउ विल दैट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ओरिजिनल मीन में हम लोग ए मल्टीप्लाई करेंगे एंड बी ऐड करेंगे. क्लियर, ठीक है. तो दिस एंड्स सेंट्रल टेंडेंसी. इसका हम लोग सम्स करेंगे आफ्टर वी आर डन विद डिस्पर्शन ऑल्सो. आई विल सेंड यू ऑल द वर्कशीट, यू ऑल कैन सिट एंड ट्राई आउट द सम्स. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट वी विल कीप अ क्लास टू डिस्कस द सम्स एज वेल. कोई भी डाउट है किसी को भी? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर व्हाट एवर वी डिड टुडे. ठीक है, ग्रेट, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.